Hello everyone, this is Mansi from Even Yati George N. Now we are starting with question number 4, exercise 9.1. So in this question we have, following pictograph shows the number of tractors in 5 villages. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है? जब हम किसी डाटा को पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी कॉल इट एज अ पिक्टोग्राफ. सो यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ दे रखा है अबाउट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. तो इस पिक्टोग्राफ में जो ये पिक्चर्स हैं, ये नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स रिप्रेजेंट कर रही है एंड इन डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग विलेजेस में कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है. ऑल्सो इट इज गिवन दैट ये जो वन ट्रैक्टर विच इज अ ट्रैक्टर, सो ये जो ट्रैक्टर है दिस रिप्रेजेंट वन ट्रैक्टर. मीन्स अगर ये यहाँ पे है सो ये मीन्स वन ट्रैक्टर, टू ट्रैक्टर्स, थ्री ट्रैक्टर्स, फोर ट्रैक्टर्स, फाइव ट्रैक्टर्स एंड सिक्स ट्रैक्टर्स. मतलब एक इस शेप में वन ट्रैक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है. सो ये था हमारा पिक्टोग्राफ. अब हमें क्या करना है? ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इसको ऑब्जर्व करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे अपने तरीके के लिए, अपने मतलब सही है या नहीं उसके लिए आप काउंट कर सकते हो, बट बेसिकली जब हम पिक्टोग्राफ ऑब्जर्व करते हैं सो दिस मीन्स कि हम इन पिक्चर्स को, जैसे अभी यहां से पता चल रहा है ये ज्यादा है ये कम है, सो पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करें तो हम पिक्चर्स की हेल्प से ही समझते हैं कि क्या ज्यादा है, कहाँ एक्स्ट्रा है, कहाँ कम है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. सो दे आर आस्किंग कौन से विलेज में सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है. सो अगर आप काउंट करके तो बता ही सकते हो, सब सबके नंबर्स लिख लो, बट आपको पिक्चर्स में देख के बताना है. सो यहाँ पिक्चर्स में अगर हम देखें सो जो सबसे कम है दैट इज दिस वन यहाँ पे, बाकी सब यहाँ पे पिक्चर्स इससे आगे जा रही है बट ये यहाँ पे स्टॉप हो गया. सो दिस इज विलेज डी. सो दिस मीन्स विलेज डी हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, मीन्स उसमें सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the second part. Second part में है which village has the maximum number of tractors. So अब आपको बताने कौन से village में सबसे ज्यादा number of tractors है. So सबसे ज्यादा pictures की हेल्प से अगर हम देखें so सबसे ज्यादा जो line extend हो रही है वो ये हो रही है, यहां तक और किसी के भी tractors नहीं आए. So that is village C. So the answer is village C. Means village C has the maximum number of tractors. Okay, so this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part mein hai how many more tractors village C has as compared to village B. So aapne aapse is question mein pucha hai ki village C mein kitne zyada tractor hai compared to village D. So village B is here, village C is here. Ab humse pooch rahe hain C mein B se कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स है. सो यहां तक दोनों में सेम है, इसके बाद सी में 1, 2, 3 मींस इससे तीन ज्यादा ट्रैक्टर्स है. सो हमसे पूछा है कि विलेज सी में बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स है, सो वील राइट 3 बिकॉज तीन ज्यादा ट्रैक्टर. इसमें आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, क्लियरली आपको ऐसे दिख जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज पार्ट नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the fourth part. Fourth part में है what is the total number of tractors in all 5 villages. अब सारे villages में मिला के कितने tractors है total. अब उसके लिए हमें count करने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So there are total 28 number of tractors. Okay, so this was the last part of this question. So let's come to the next question.